आप सभी का एसएम न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। राम मेहर मलिक जी, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद खुशबू। मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राम मंदिर तो बनने की कगार पे हो गया है, लेकिन रविदास मंदिर कब बनेगा, आप बताइए। खुशबू, ये एक्चुअली हमारी सरकारों की ना ये ओछी हरकतें हैं। मुझे राम मंदिर के भी बनने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि ये बहुत साल हो गए इनको चलते चलते। इसके ऊपर भी राजनीति खेली जा रही है। ये हिंदू और मुस्लिम को बांटने की एक राजनीति है, और वही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते जा रहे हैं, क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। इनको किसी की धर्म की आस्था से कोई लेना देना नहीं है, किसी जाति से लेना देना नहीं है, इनको अपने वोट बैंक को सुरक्षित करना है। सेम रविदास मंदिर का भी हाल यही है। ये असल में तो मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज की आस्थाओं के साथ, इनकी भावनाओं के साथ तो हमेशा से खिलवाड़ करता आया है, हमेशा किया जाता रहा है, और अब भी ये उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ये बहुत ही दुखद है, ये जो हरकत की है इन्होंने, मंदिर को जो तुड़वाया है, बेशर्मी की बात है, बहुत गंदी हरकत है सरकार की। और ये मंदिर तुरंत वहाँ पर बनाया जाना चाहिए। ये राम मंदिर को बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उनके अंदर इनकी बहुत बड़ी राजनीति है, लेकिन रविदास मंदिर को तुरंत बनाया जाना चाहिए, और बहुजन समाज को उनके प्रति ये न्याय करना चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए तुरंत। और फौजी जनता पार्टी बहुजन समाज के साथ खड़ी है, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इस मंदिर के निर्माण के लिए जो भी हमारे से ताकत होगी, जो भी तरीका होगा, हम इसमें पूरी अपनी तरफ से ताकत झोंक देंगे, और हम सरकार को विवश करेंगे तो रविदास मंदिर को तुरंत वहां पर बनाया जाए। ये भावनाओं को खिलवाड़ आगे हम नहीं होने देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।